सीबीएसई मॉडरेशन करेगा ही करेगा, एमसीक्यू अप्रोच अडॉप्ट ही नहीं करी, टर्म वन का एग्जाम खराब हो गया, अब पढ़ाई पर फोकस ही नहीं हो पा रहा, क्या करूं मैं, मार्क्स तो चले गए मेरे, टर्म वन का एग्जाम खराब हो गया, अब किताब खोलता हूं तो लगता है फुल मार्क्स आ नहीं सकते, पढ़ूं क्यों, क्या दोबारा से एक और अटेम्प्ट दूं नेक्स्ट ईयर, ऐसे बहुत सारे ख्याल तुम्हारे दिमाग में आ रहे होंगे। और क्या होने वाला है इस बार के सीबीएसई रिजल्ट में, और अब हम क्या कोई ऐसी टेक्निक लगा सकते हैं जिससे कि मेरे पूरे मार्क्स दोबारा आ जाएं। तो देखो यार, इस बार बाबा जी के पिटारे में तुम्हारे लिए इन सब के आंसर हैं, और पिटारा खोलना शुरू करते हैं अपन। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ अकेले नहीं हुआ यार, बहुत सारे लोगों के साथ है, और ये बाबा जी की अपडेट है, मतलब ऑथेंटिक है, कि ऐसा नहीं हवा में नहीं बोल रहा, कई लोगों के ये मैसेजेस हैं, कई लोगों से जब बात हुई तो ये समझ में आया कि क्योंकि पैटर्न बदला, क्योंकि हमारी अप्रोच हम चेंज नहीं कर पाए, हम सब्जेक्टिव अप्रोच के साथ ही पढ़ाते रह गए क्लास में, ये तुम्हारे लिए नहीं था, ये किसी और के लिए था, जहां था वहां पहुंच गया होगा। एमसीक्यू अप्रोच अडॉप्ट ही नहीं करी, प्रैक्टिस एमसीक्यू के कर नहीं पाए, क्योंकि हम भी इतने कैपेबल नहीं है, तो तुम्हें क्या देंगे हम। तो ऐसा नहीं है कि गलती एक साइड से हुई है, गलती तो दोनों साइडों से हुई है। शायद हम भी वो दो साल आराम करते करते अचानक से आधे टाइम स्कूल जा पाए, आधे टाइम स्कूल नहीं जा पाए, तो ऐसे बहुत सारे रीजंस रहे होंगे जिनके कारण इस बार का मेरा एग्जाम सो कॉल्ड 50-50 टाइप चला गया, और अब मैंने कुछ मार्क्स लूज कर दिए, तो अब मेरे अंदर मोटिवेशन नहीं आ रहा है। 101% ये थॉट्स हमारे दिमाग में आ रहे हैं, अब इनसे क्या करें। तो देखो यार, ऐसा है, सबके साथ ये हुआ है, तो ये बात श्योर है कि सीबीएसई मॉडरेशन करेगा ही करेगा, चाहे बोला जाए या ना बोला जाए। ये पुराना एक्सपीरियंस मेरा बोल रहा है कि सीबीएसई इस बार मॉडरेशन करेगा ही करेगा, और आपके मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो अब आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, वो सीबीएसई के पार्ट में छोड़ दो, यही एक अच्छी न्यूज़ थी। अगर किसी को लग रहा है कि मॉडरेशन नहीं होगा, तो मॉडरेशन होगा, आप एक्सपेक्टेड मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स ही पाओगे, और ये बात 100% ऑथेंटिक है। अब इसके आगे सोर्सेज देना थोड़ा सा भारी काम हो जाएगा, इसीलिए बाबा जी सोर्सेज नहीं दे रहे हैं अपने, वैसे भी कोई अपने सोर्स रिवील नहीं करता है ना, मैं भी नहीं रिवील करने वाला, बट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन तुम्हें दे रहा हूँ। अब आता है कि बाबा जी अप्रोच पहले अलग हो गई थी, अब क्या करें, अब तो सब्जेक्टिव है, अब काम चल जाएगा क्या? नहीं भाई, अभी भी हमको ना अपनी एक अप्रोच को मॉडिफाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब टर्म टू में हमको क्या करना है, तो सबसे पहले हमें हमारी अप्रोच को चेंज करना है, हम सब्जेक्टिव को जिस तरह से देखते थे उसको भी देखने का अब नज़रिया बदलना है। क्यों? क्योंकि सीबीएसई के पास बहुत लिमिटेड स्पेस है क्वेश्चंस पूछने का, तो हो सकता है इस बार सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने के तरीके भी वो बदल दें, उनका लेवल थोड़ा सा चेंज कर दें, क्वेश्चंस के अंदर ट्विस्ट कर दें बहुत सारे। तो पहली चीज, हमें सब्जेक्टिव पढ़ने के लिए भी एक राइट अप्रोच बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, लोग कहते हैं स्मार्ट वर्क करो, भाई स्मार्ट वर्क जो होता है ना वो एक्चुअली उसे हार्ड वर्क के अंदर का एक छोटा स्फेयर होता है, तो हार्ड वर्क के बिना स्मार्ट वर्क तक हम पहुंच नहीं सकते। तो हार्ड वर्क तो हमें करना है, मगर जब अप्रोच सही रखकर हम उस हार्ड वर्क को करेंगे और स्मार्टली करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम है अब बहुत कम, तो ये जो स्मार्ट वर्क है, अब इस स्मार्ट वर्क की जरूरत है विथ हार्ड वर्क, ये कुछ नया है, और इसको करने के लिए भी बाबा जी आपके साथ हैं। तो दो हो गए। तीसरी चीज, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यूनिवर्सल ट्रुथ है, कोई इसको हटा नहीं सकता। हाँ, राइट डायरेक्शन में, ऑब्वियसली मुझे जाकर ऑस्ट्रेलिया में बैटिंग करनी है और मैं इंडिया के स्पिनर्स के साथ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। मैं स्पिनर का तो बहुत अच्छा बैट्समैन बन गया, मगर मैं जब बाउंसर खेलूंगा वहां पर तो हर बार आउट होके ही आने वाला हूं, और ये हम जानते हैं अच्छे से। तो इसीलिए भाई, ऐसा ना हो जाए कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो स्पिनर के साथ और पेपर में आप पे बहुत सारे बाउंसर्स पड़ने वाले हों। तो इन सारे बाउंसर्स का आंसर और इनको खेलने का तरीका बाबा जी के पास है। तो टर्म टू में एक राइट डायरेक्शन, एक राइट अप्रोच, एक राइट शेड्यूल के साथ करने की बहुत जरूरत है। तो चलिए आ जाइए, पकड़ लीजिए बाबा जी का हाथ, मिलाते हैं दोनों हाथ, एक कुछ नहीं कर सकता, एक कुछ नहीं कर सकता, दोनों बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इस बहुत कुछ करने के लिए साथ पढ़ना, साथ बढ़ना और टर्म टू की प्रिपरेशन साथ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलो पढ़ेंगे टर्म टू। इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही, जय हो।